न्यूमेरिकल एक करवाया था क्या? नहीं सर, अभी नहीं कराया। अच्छा, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल हो गया था, 3 यूनिट में था -13, ठीक है ओके। ये भी लिखवा दिया था, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन बता दिया था ना साइंटिस्ट। यस, थैंक यू। चलिए बोर मॉडल में हम स्टार्ट करेंगे पहला न्यूमेरिकल, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया था। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ HE+1 इन सेकंड ऑर्बिट। तो अब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि और रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला है। 0.529 n² / z एंड स्ट्रॉन्ग। R 0.529, n का मतलब 2 का होल स्क्वायर, प्रोटॉन 2 कैंसिल, तो 2 into 0.529 एंगस्ट्रॉम 1.158 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, इसको बोलिए सभी सभी। आप पिछला लेक्चर देखी थी, आप तो आई नहीं थी, आप लोग तो आती ही नहीं है। हेलो अरसलान साहब, कैसे हैं आप? अरसलान, मेरी आवाज आ रही है बिहारी? बोल रहा हूँ जल्दी। यस सर, आ रही है। थैंक यू। अब आइए, मैं जो कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ, एनर्जी तक का तो मैंने लिखा दिया था, ठीक है। अब ध्यान दे, कुछ पॉइंट्स लिख लें, ये तो रेडियस है, नोट। ये बात तो मैंने लिखा दिया था कि न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये भी लिखवा दिया था, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहे, अरसलान और नोहा आप ही दोनों बोलिए, आप ही दोनों आए थे। यस सर, लिखवा दिया था। वेरी गुड। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब आइए नेक्स्ट, हम डालिए ग्राउंड स्टेट। कोई पूछे ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट में लिखिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे लोएस्ट कहाँ पर होगी, आप बताइए। इधर सुनिए, न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, बताओ अरसलान और नोहा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ मैं लोएस्ट होगी, जल्दी बताइए। 1, 2, 3 में कहाँ लोएस्ट होगी? नोहा एंड अरसलान जल्दी बताइए, चुप है, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही मेरी? चलिए आप नहीं बोलिएगा तो हम भी चुप हैं, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, बैठे रहिए। अरसलान आवाज आ रही है, जल्दी बताएं। यस सर, शायद से इसका 3 है। हाँ बताइए, हाँ बताइए बताइए सर, इसका 3 है। 3 है। आप चना खाइए, आप सुबह सुबह शहद में डाल के चना खाइए। न्यूक्लियस के नजदीक में लिखवा चुका हूँ, अभी मैंने बोला है
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी पर, जितना दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम होगा, और एनर्जी का फॉर्मूला भी यही बताता है, इनवर्सली तो है लेकिन नेगेटिव की वजह से एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्यों, न्यूक्लियस के दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगा। अरे बोलो ना, पढ़ाया था यार, तुम कहाँ रहते हो। एन की वैल्यू बढ़ेगी, बस 11th में बच्चे यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली के चक्कर में रहते हैं, यही सब नहीं होता है। सुनिए, जाइए 10-10 क्लास उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है? नथिंग, जीरो बटा सन्नाटा। 11th में आप देखिएगा, 12th में तब पता चलेगा 11th कितना कमजोर है, उस वक्त पता चलेगा, तो मेरी याद आएगी आप सर क्यों कहते थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, एनर्जी बढ़ेगी, पिछले क्लास में बताया और अभी मैंने स्टार्ट भी किया, मैं दोबारा बता देता हूँ, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो बताइए अरसलान, एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, समझा, क्यों बढ़ेगी? हाँ, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम हो रहा है। बहुत अच्छे आदमी है, मतलब ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस पर है? फर्स्ट ऑर्बिट। हाँ, आप भी तो कुछ बोलिए, माना आप शरीफ हैं फिर भी बोलिए, सबीहा और नोहा कुछ तो बोलें, आ रहा समझ में? यस, इसलिए सबसे लोएस्ट एनर्जी को कहते हैं यही ग्राउंड स्टेट। तो कोई भी कहे इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट देन इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जैसे आप ग्राउंड स्टेट जानते हैं, बिल्डिंग का सबसे पहला होता है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट, लैंग्वेज फिजिकल मीनिंग लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मैथमेटिकल मीनिंग फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड, आपको कहेगा एनर्जी निकालो ग्राउंड स्टेट में तो एन की वैल्यू फर्स्ट डाल देंगे। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर, थैंक यू। देखिए पढ़िए पढ़िए ये सब आप, लिख लिया तो बताइए। यस सर, थैंक यू एकदम। देखिए ये पर कमांड कीजिएगा, सारा न्यूमेरिकल होगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं मुझे याद आया कि मैं ये नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए इसको समझ लीजिए तो सारे न्यूमेरिकल होंगे, सारे लोग देखिए अब आता है एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। Clear? अभी आपने पढ़ा, फिर से बताइए लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहाँ है? फर्स्ट ऑर्बिट। आप सुनिए, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, सारे लोग मिलके बताइए, एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। वेरी गुड, याद रखिए, इधर सुनिए अच्छे से, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, समझ जाइए एक्साइटेड में है, एनर्जी बढ़ रही है। थर्ड में है, समझिए एक्साइटेड स्टेट में। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और से सुनिए एक मिनट, लिखिएगा नहीं, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, आपको न्यूमेरिकल देखे कैसे देगा, इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट, अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये आप खुद सोचिए, अगर अरसलान साहब आप आंसर दें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हुआ, एन की वैल्यू तुम कितना लोगे और बिट नंबर? सर 2। बहुत अच्छे, अब यही न्यूमेरिकल में कह देगा, बताओ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एल आई प्लस 2 इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट ऑर्बिट तो n1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n2 नोहा अख्तर समझ में आया साइंटिस्ट यस सर सेकंड एक्साइटेड स्टेट कोई बोले n इज इक्वल टू 3 ये सब लैंग्वेज पर कमांड करें कि न्यूमेरिकल अप्रोच आपको समझ में आए ग्राउंड स्टेट फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉन जिस जिस ऑर्बिट में जाएगा एनर्जी बढ़ती रहेगी इसलिए नाम पर गया फर्स्ट एक्साइटेड एन इज अकन टू 2 लिखना शुरू करें बोलिए लिख लिया सर लिख लिया बहुत अच्छे आदमी हैं आप देखिए एक्साइटेड स्टेट के बाद आइए और सुनिए आयोनाइजेशन तो है आयोनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड वगैरह पूछता है अब यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से समझिए आप बोर मॉडल के लिहाज से समझो आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए तो आप लॉजिक लगाइए क्या इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बोलो ये बाहर आ गया ना जल्दी बताओ क्या इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सर नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि ये हमने इसके न्यूक्लियस से हटा दिया इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये इंफिनिटी पर है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब और से सुनिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक तो है कि डिफिनेशन जो आप थर्ड में पढ़ेंगे यहाँ मैथमेटिकली डिफिनेशन पढ़नी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पॉइंट को सुनिए अच्छे से टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन भले आपकी इंग्लिश अच्छी हो मैं जो मतलब समझाना चाह रहा हूँ रिमूव रिमूव का मतलब ही होता है आप बाहर कीजिए उसको ऐसी जगह फेंकिए जहां न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना हो न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन कहां नहीं होगा इंफिनिटी आउट ऑफ एटम आयोनाइजेशन आयोनाइज करना तो मैथमेटिकली डिफिनेशन ये है एक तो अपने मीनिंग में दो आयोनाइज द सोडियम दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन जो आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में लेकिन बोर मॉडल के मुताबिक पढ़ना है जो बुक लिखता है आयोनाइज मतलब ये है कि आप न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री कीजिए इसलिए कहा गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी डू यू अंडरस्टैंड यस सर यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड रिमूव का वर्ड है इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होगा ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ये इस जगह है आप कोई ऐसे आयोनाइजेशन पूछे तो ये मत बता दीजिएगा आयोनाइजेशन लेकिन यहाँ पर बोर मॉडल के मुताबिक मैंने डिफिनेशन लिखी है मैथमेटिकली न्यूमेरिकल में जो पूछेगा उस लिहाज से पूछा गया
यस सर लिख लिया डन सर डन थैंक यू ऑसम क्या आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आएगा देखिए और से सुनो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन को लेगा जल्दी बताइए सर ग्राउंड से इनफिनिटी ग्राउंड स्टेट से इनफिनिटी तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा e इनफिनिटी माइनस e1 होगा ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर यस यस अब देखिए आप बताइए फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं इनफिनिटी का मतलब जीरो अभी पढ़े इनफिनिटी पिछले क्लास में इनफिनिटी पर एनर्जी जीरो होता है अब तुम कोई भी फॉर्मूला लगा दो 13.6 n² n का मतलब 1 सेट प्रोटॉन नंबर तो मालूम है देखो आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलना 13.6 n² बोलो आया समझ में हेलो एवरीवन यस सर यस सर यह है इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसी को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो देखो एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है तुम डायरेक्ट लिख दे सकते हो 2.8 × 10⁻¹⁸ सेड स्क्वायर जूल पर एटम तीनों यूनिट में याद रखो जो एनर्जी की यूनिट उसी में आएगा बस एन स्क्वायर को हटा दो और माइनस को प्लस करो किलो जूल पर मोल में लिखवाया था 1312 समझा सेड स्क्वायर किलो जूल पर तीनों यूनिट में याद रखिए ओके स्टूडेंट आ जाना यस सर थैंक यू अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का फॉर्मूला है आप किसी भी यूनिट में निकालिए कोशिश कीजिए जूल एसआई यूनिट आया सबको समझ में हेलो एवरीवन यस सर यस सर आपके पास एनर्जी का क्यों सब फॉर्मूला है -2.18 है -10⁻¹⁸ एन स्क्वायर सेड स्क्वायर आप बताइए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा एन की वैल्यू कितना लेंगे जल्दी बताइए सर 3 बहुत अच्छे तो बस आपको बस अब फॉर्मूला याद होना चाहिए थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई दी है 3 का होल स्क्वायर लिथियम में प्रोटॉन नंबर भी 3 है 3 का होल स्क्वायर कैंसिल -2.18 × 10⁻¹⁸ Do you understand? Yes.
मैं छोटे छोटे क्वेश्चन सब दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिखते रहिए। सेकंड ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट में अच्छी प्रगति में कोशिश बताइए सेकंड ऑर्बिट से कहाँ ले जाना है, जल्दी बताइए। फोर्थ ऑर्बिट। कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, ये आपसे ये पूछ रहा है डेल्टा ई, तो बताइए फोर्थ पर एनर्जी ज्यादा होगी कि सेकंड ऑर्बिट पर ज्यादा होगी, जल्दी बताइए। सेकंड पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है आप माशाल्लाह। तो फोर्थ है तो ई फोर माइनस ई टू कर दीजिए। अब देखिए माइनस 2.18 है इनटू 10 टू द पावर माइनस 18 है, 4 का होल स्क्वायर है, हीलियम में प्रोटॉन 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 18 है, 2 का होल स्क्वायर है इनटू 2 का होल स्क्वायर है हीलियम, ये कैंसिल। आप क्या करें डेल्टा ई 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 4 फोर्स बचेगा, तो माइनस 1/4 प्लस वन तो आपके पास हो जाएगा 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 बाय 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा पिछला दिखा दें आपको, हाँ बताइए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? सर लिख लिया। बहुत अच्छे, ये भी लिख लिया। यस सर लिख लिया। एन शेल के अंदर बी प्लस सी की एनर्जी निकालनी।
लिख लिया। अच्छा एन शेल आपने पढ़ा ना, के शेल एल शेल एम एन पढ़ा है ना आपने, बोलिए। यस सर। एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट में होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप कोई से भी आप जूल में निकालिए तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। -2.18 सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। अरे नोहा अख्तर बोलिए ना। अच्छा नोहा चली गई। सबिया, अच्छा सबिया लेक्चर देखी थी पिछले क्लास वाला? लिख लिया सारे लोग? यस सर, लिख लिया। यस सर। देखिए आप फ्रीक्वेंसी पूछा है तो पहले आप कुछ नहीं कीजिए। हमने बताया था बोर मॉडल में डेल्टा E2-E1 होता है, तो आप पहले E2-E1 निकालें। E2 minus E5 minus E2 to the 5th की एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रोजन एटम है 2.18 है, 10^-18 है, 5 का होल स्क्वायर। इन जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी। माइनस माइनस प्लस 2.18 10^-18 जेड तो 1 है। यहाँ पर 2.18 × 10^-18 -1/25 + 1/4 कितना हो जाएगा 21/100। ये तो होगा, जल्दी बोलिएगा। पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ तक डेल्टा ही आ जाएगा आपका।
लिया? सर लिख लिया। हाँ स्टूडेंट लिख लिया, सारे लोग बताइए। यस सर लिख लिया। तो अब आइए हमें फ्रीक्वेंसी का, तो वही फोटोन का फॉर्मूला याद होगा आपको, इसको इक्वेट कर दीजिए। अरे बोलिए ना, बोर मॉडल में पढ़ा था ना। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी आपको एच की वैल्यू तो मालूम ही है, 6.626 × −20 34 ऊपर चला जाएगा तो −20 कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी आप कर लेंगे, कभी आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट आइए, लिख लिया। हाँ नोहा समझ में आ रहा है? नोहा कुछ तो बोले। चलो आगे बढ़े। यस सर। Ionization energy of HE plus. Ionization energy का direct formula लगा दीजिए, क्या था? E infinity minus E1. नहीं नहीं, हाँ उसको सॉल्व करके आया था ना। हाँ उसको सॉल्व करके आया था ना, जेड स्क्वायर बस। तो मैंने कहा था कोई टफ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें उनका होल स्क्वायर कर दीजिए, चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया समझ में? यस सर।
बॉस। अब इसी क्वेश्चन को मैं दो तीन तरीके से दे रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी तो आपसे बोलेगा ही। लिख लिया यस सर, लिख लिया। Anuha, can you hear me? हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes sir, लिख लिया। अब बताओ Li प्लस टू, बताओ इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव ही तो किए हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes sir। तो जानबूझ के यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लिखा, आपको खुद समझ नहीं आया, फर्स्ट ऑर्बिट में है, ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ही ऑर्बिट में रहेगा, यानी इसका मतलब ये आयनाइजेशन पोल है। बस आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम 13.6 लेंगे तो 13.6 यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, बस 13.6 क्वेश्चन का प्रोटॉन नंबर तरीका हो उस पर। या बोलिए। Yes sir, लिख लिया। या भी इस बैच में है, बाकी तो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, है कि नहीं? बैठने दीजिए सबको। एक बेचारी पेच नाम की कोई स्टूडेंट है, तो बेचारी लामन जब से ज्वाइन की क्लास में से करती है, एच से नाम है, नाम पूरा नहीं बोल रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड,
सर लिख लिया। आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा वर्ड है, जल्दी बताइए। सर रिमूव। रिमूव का मतलब हुआ, ये भी एक तरह आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन इनफिनिटी माइनस E5। ग्राउंड स्टेट से था तो E1 होता, इसलिए मैंने कहा लैंग्वेज सब पर कमांड करें, हम यहाँ पर लिखा नहीं आयनाइजेशन है, उसको समझिए IE5। रिमूव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, रिमूव का मतलब ही होता है कि आप इंफिनिटी पर ले गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस 2.18 2 × 10⁻¹⁸, 5 का N5 है, प्रोटॉन 2 है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना, तो ये आया समझ में। हेलो, यस सर। नोहा क्यों नहीं बोल रहे, चलिए गए क्या? नो नोहा अख्तर, कैन यू हियर मी? यस सर। तब क्यों नहीं बोल रहे उस वक्त से, कुछ आ रहा है समझ में? सब पढ़ा चुका हूँ पिछले 2 क्लास से, थ्योरी पढ़ा दिया था, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये भी बोलिए। सर नेटवर्क इशू हो रही है, क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रही है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। हिबा आपको तो अच्छे से आ रहा होगा, हिबा? Yes, sir. आपको तो बहुत अच्छे से आ रहा, आप तो टॉपर हैं, आपको तो आप 1 महीना के बाद भी आइएगा तो आपको अच्छे से आएगा, आप इतनी दिमाग की तेज है ना, माशाल्लाह, आप साइंटिस्ट बनिए, साइंटिस्ट। ओके लिया सारे लोग? यस सर लिख लिया। अब देखिए देखिए, इसमें ये तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज था। अब थोड़ा अगर न्यूमेरिकल पे स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चंस को लिखिए फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, थ्योरी है फिर उसके अंदर न्यूमेरिकल, उसमें बहुत है। मैं खुद समझाऊंगा, सारे लोग और से सुनो। यस सर लिख लिया। अब तक था कि रेडियस निकालें इसका, अब यहाँ पर एक की रेडियस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरे की रेडियस कह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि He+1 की रेडियस आप एक्स के फॉर्म में निकालें। अब तक था अगर ये लाइन नहीं रहता, ऊपर वाली लाइन को आप मिस कर दीजिए, दिस इज आसान, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ He+1 इन फर्स्ट ऑर्बिट, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर देते, लेकिन वो ऊपर लाइन लिखने का मकसद ये है कि आपको जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है He+1 की, वो एक्स के फॉर्म में निकालना। उसी तरह आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनर्जी एक ऑर्बिट का दे देगा, कहेगा उसका दूसरे ऑर्बिट में निकालो। अब तक था डायरेक्ट क्वेश्चन, इस ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, इस ऑर्बिट का रेडियस निकालो, आयनाइजेशन निकालो। अब एक का इंफॉर्मेशन देके दूसरे का जो रेडियस है उसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आप देखिए कैसे करना है,
तो रेडियस का जनरल फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड है। अब देखिए रेडियस ऑफ एल आई प्लस टू है सेकंड ऑर्बिट में, देखिए 0.529 सेकंड का मतलब 2, और लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3, इस तरह निकालेंगे। एच ई प्लस वन का कह रहा है 0.529 और एन स्क्वायर फर्स्ट का मतलब 1/2, बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशियो ले लेना है, Li plus 2, Hg plus 1. Li plus 2, अब देखो दोनों 0.5 को कैंसिल, 4/3, ये 2 ऊपर चला गया, तो 8/3 आया यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझ में है जब रेशियो निकालेंगे तो? Yes sir. Very good. सबको समझ में आ रहा है? Hello. अब देखिए एल आई प्लस टू की रेडियस एक्स दी हुई है, तो मतलब यही है 8/3 इस तरह के क्वेश्चन कंडीशन में, और इस तरह के बातें हैं। अगर ये लाइन ना रहता तो डायरेक्ट ये इसका आंसर ये आ गया, यहाँ से आ गया, बस दो से डिवाइड करो। लेकिन कहने का मकसद ये है, जब वो एक एटम का इंफॉर्मेशन दे रहा है तो दूसरे एटम का कह रहा है, या उसी सेम एटम का दूसरे ऑर्बिट में कह रहा है, तो आप उसको उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सॉल्व कीजिए, दोनों का अलग अलग निकाल के रेशियो दे दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। थैंक यू। लिख लिया ये? यस सर, लिख लिया। या आप लोग जल्दी से निकालिए, एक एनर्जी का है, दूसरे का रेशियो लीजिए। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, माइनस जूल पर मोल, इसका मतलब किलो जूल पर मोल वाला इस्तेमाल कीजिए, -75 किलो जूल पर मोल, सी ऑप्शन है -72 किलो जूल पर मोल, डी ऑप्शन है माइनस एलन आपके पास है ना, वो निकाल के देखिए जल्दी से।
हाँ हेलो, कैन यू हियर मी? यस एवरीवन। हाँ यहाँ देखें तो सबका आंसर नहीं, आपका आंसर नन आया। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए मैं चेक करता हूँ। देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, तो -1312 है एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जेड तो वन ही होगा, तो -1312/4 किलो जूल पर मोल। यही आया पहला स्टेप। यस सर, इसका दे रखा है क्वेश्चन। हाँ नहीं, पहले तो इस तरह रुक जाइए, तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ऐसे रहने दें। फोर्थ ऑर्बिट का पूछ रहा है, तो -1312/4 का होल स्क्वायर -1312/16। मैंने कहा क्या ट्रिक्स, क्या आप रेशियो लेंगे, दोनों का रेशियो है तो सब कैंसिल है, 16 ऊपर चला जाएगा 4। बोलिए हाँ या ना? यस सर। ई टू की एनर्जी आपको -328 दी हुई है, 4 को निकालना है, 4 इज इक्वल टू -328/4 -82। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहता तो आप निकाल लेते, लेकिन इसकी मदद से निकालना है, सो द ऑप्शन इज द ऑप्शन। बहुत ही आसान है, देखिए एक की मदद से दूसरे का निकालना। बोलिए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? सर मैंने जब E2 को E4 से डिवाइड किया तो 1/2 आया। कहाँ 1/2 आया, तुम एन स्क्वायर जेड स्क्वायर करोगे ना? अच्छा आया कैसा है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है ना, कहाँ आया एन स्क्वायर नहीं किया। सर E2 की एनर्जी -328 है एंड E4 की एनर्जी -164 है। ऐसे कैसे करोगे यार, मैं बता रहा हूँ कुछ। सर मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया था। नहीं सिंपलीफाई नहीं करना है ना, E2 की एनर्जी निकालिए, E4 की कोई सिंपलीफाई, उस वक्त से यही समझा रहा हूँ ना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन कहता तब ना, जो हम अब तक मैं करा चुका हूँ भाई, इसकी एनर्जी सॉर्बिट में निकाल। ओके यहाँ पर okay, कह रहा है, यहाँ पर एक की का दिया हुआ है, तो मैंने वही समझाया, यहाँ तो रेडियस के केसेस में भी तो वही था। अगर ये कहता तो इसको तो हम सिंपलीफाई कर देते, वो कह रहा है एक्स की मदद से, तो एक्स के फॉर्म में निकालेंगे। वही हाल यहाँ पर है, -328 दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्बिट कह रहा है, मतलब उसकी वैल्यू की मदद से निकालिए। क्लियर है, सॉल्व मत कीजिए। यस हाँ लिख लिया। यस सर लिख लिया। देखिए क्वेश्चन, इफ आयनाइजेशन एनर्जी Y plus 2 is 19.6 10 to the power minus 18 joule per liter. Compare the this one in first one. अब देखिए आयनाइजेशन फर्स्ट, अब आपको ये सिर्फ कहा गया तो आप सॉल्व करके निकाल ही लेंगे, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से ये वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हैं आप? यस यस सर।
देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस टू का फॉर्मूला आपको मालूम है, जूल में है, 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 इनटू z का होल स्क्वायर, तो 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 और 9, इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, सॉल्व करके अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा एनर्जी। अब आपको एनर्जी ऑफ Hg प्लस 1 फर्स्ट ऑर्बिट में कह रहा है, आपको माइनस 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 n का स्क्वायर z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बस अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो एक जब दोनों का रेशियो लीजिएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस टू एनर्जी ऑफ Hg प्लस वन ये कितना दिया हुआ है आपको, 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 ओके आया समझ में? Yes, sir. दिखला है ये स्लाइड? यस सर, ये मैंने लिख दिया। यस सर, लिख लिया। ठीक है, रहने दीजिए, इतना नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।